मौजें तुम लोगों की, और जो है रोजे नहीं रखने पड़ते, और चिल करती हो तुम लोग, नमाजें छोड़ देती हो। कुलीग्स वगैरह देखते हैं कि मैं पानी पी रही हूँ या रोजा नहीं रखा हुआ है, तो आके सवाल करना क्यों नहीं रखा रोजा। इवन दो एक सबको पता है कि नहीं रखती हैं लड़कियां खास दिनों में रोजा। लोग फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है जैसे ये पीरियड्स नहीं है, ये एक्चुअली उनके मुंह पर कोई वॉमिटिंग कर रहा है जब आप कह रहे हो कि मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। हर साल दुनिया भर के मुसलमान रमजान के महीने में सहर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से गुरेज करते हैं, लेकिन माहवारी से गुजरने वाली खवातीन को रोजों से छूट हासिल है। इसके बावजूद पाकिस्तानी माशरे में बेशुमार खवातीन को मखसूस आयाम के बावजूद सहरी और इफ्तारी की एहतमाम की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। स्क्रीन थोड़ी सी और नीचे कर लीजिए। इस सिलसिले में हमने चंद नौजवान पाकिस्तानी खवातीन से बात की और उनसे उनके तजुर्बात जानने चाहे। मुझे पता नहीं चला मैंने क्या बोला है, मैंने तो फ्लुएंसी में बोल दिया है। मेरी फैमिली में सिर्फ ये था कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती थी, तो बस जैसे कि विस्पर करके या इशारों में मेरी मम्मी बता देती थी कि अच्छा ये आज रोजा नहीं रख सकती या इस तरह से, लेकिन मैं ओपनली इन चीजों के बारे में बात नहीं कर सकती थी। वो जो टैबू इसको समझा जाता है वो मेरी फैमिली में था। आपने उसी टाइम उठना है सहरी के टाइम, और आपने घर में उतनी ही पार्टिसिपेशन करनी है, काम में अफ्तारी में भी सबके साथ बैठ के ही करना है। किसी को ये रियलाइजेशन नहीं करवानी कि आपका रोजा नहीं है। और कभी कभी तो ये होता था कि हम आपस बहने भी आपस में छुपाती थी कि भाई टेबल लगाना है, टेबल उठाना है, बर्तन धोने हैं, तो वो सारे काम, इवन तो उनको उनको रोजा नहीं रखना, बट वो स्टिल सुबह उठ के फजर के टाइम पे वो सरंजाम देने होते थे, और फिर दुपट्टा लेके कमरे में जाके छुप जाना होता था कि जी मैं नमाज पढ़ रही हूँ, प्रिटेंड करना होता था। मतलब हमने कभी भी नहीं देखा कि हम एक कॉमन रूम में बैठे और खवातीन हो यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में या स्टाफ रूम में खाएं या पिए। नो, वहां पे भी हमें अवॉइड करना पड़ता है। मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि यानी मेरा रोजा है, हालांकि मेरा रोजा होता नहीं था। घर में आके मुझे खाना खाती थी, लेकिन मुझे इवन मेरी मदर है या वो भी झूठ बोलती थी मेरी बिहाफ में कि इनका रोजा है। एंड ऑफ द डे लाइक 3-4 बजे आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती थी कि लगता था बस अब तो फेंट होके गिर जाना, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप जाके अपनी बहन को या अम्मी को बता दो अम्मी मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। पीरियड्स में इतना ज्यादा काम करते हैं, अफ्तारी बनाते हैं, और किसी को भी नहीं बताते कि हम इस दर्द से गुजर रहे हैं। वो आराम से उस चीज को सह लेते, इवन उनके हस्बैंड जानते हैं कि उनको ये पीरियड्स है, लेकिन वो फिर भी नहीं बताते। जिन खवातीन को आप कह रहे हैं कि ये मजहब जो है आपकी आसानी के लिए है कि जी मेंस्ट्रुएशन जो है तब आपने रमजान रोजा नहीं रखना, इट्स वेरी आयरोनिक कि फिर वही खवातीन जो है उठ के प्रटेंड भी कर रही हैं, और वही उनको सहमत ही हो रही है ना कि अगर वो रोजा नहीं रख रही फिर वो सहरी के लिए क्यों उठ रही हैं। पीरियड्स वाले रोजे तो आपने छुपा छुपा के जैसे भी हैं नॉर्मल डेज वाले रख लिए, लेकिन आपने बाकी रोजे भी रखने हैं, तो वो जब बाकी रोजों पे इम्पैक्ट आपकी हेल्थ का पड़ता था, आपका वेट कम हो जाता था, आप बिल्कुल पेलिश हो जाते थे, एचपी आपकी कम हो जाती थी, वो लोग हैं जिनको पता है पीरियड्स के बारे में, चाहे वो मर्द हजरात मैरिड है या अनमैरिड है, तो वो क्या करते हैं, वो टो लेते हैं, वो मजे लेते हैं। अक्सर कह रहे होते हैं कि हाँ भी आपने कितने रोजे रखे हैं, 30 रोजों में कितने रोजे रखे हैं। They are asking such kind of a question के अब हम ये तो नहीं कह सकते हमने 30 के 30 रखे हैं। मैं पानी पी रही थी, मेरे एक वर्क कलीग आ गए सामने और उन्होंने मुझे देखा कि रोजा नहीं रखा मैडम आपने। मैंने कहा नहीं मैंने रोजा नहीं रखा, तो वो समझ गए कि मैंने रोजा क्यों नहीं रखा, लड़कियां क्यों नहीं रोजा रखती, एक नेचुरल सी चीज है। पर उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसा लुक दिया, एक अजीब हैरेसमेंट वाला, एक वॉयलेट करने वाला लुक दिया, जैसे मैंने उनको शायद लाइसेंस दे दिया कि आप मुझे आके हैरेस करो या आप मुझे गंदी नजर से देखो। मेरी एक दोस्त है जो मुझे हमेशा बताया करती थी कि उनको इतने सिवियर क्रैम्प्स होते थे, इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी कि वो बैठ भी नहीं सकती थी, शी हैड टू लाई डाउन। तो इस कंडीशन में आप मुझे ये बताएं कि कोई काम पे कैसे जा सकता है, हाउ कैन दे वर्क। और अगर ये बात वो कहेंगी अपने एम्प्लॉयर को या अपनी टीम को, और उनको आगे से ये कहा जाए कि आप वुमेन कार्ड प्ले कर रही हैं, तो मतलब शी इज अ वुमेन, दिस इज हर बायोलॉजी, ये बाय नेचर है, उन्होंने खुद तो क्रिएट नहीं किया ना। अभी भी मैं सहरी पे टाइम पे उठती हूँ, अभी भी मैं अफ्तारी पे सबके साथ उठती हूँ, लेकिन अब सीन थोड़ा सा ये है कि
فیملی میں فیمیلز بڑی سپورٹیو ہیں, ان کو پتا ہے کہ شی از ناٹ فیلنگ ویل, تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا ہم تھوڑا سا کھانا تم فلاں روم میں بیٹھ کے کھا لو, میں باہر دیکھ رہی ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا, یو نو لائک کہ ابا نہ آ جائے یا بھائی نہ آ جائے یا کوئی اور نہ آ جائے انسپیکشن کرنے, اور تم نے روزہ نہیں رکھا. مردوں کو تو میں کہوں گی کہ ان کو ایون اپنے وائف کو سپورٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی روزوں کے دوران. ان کو پتہ ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہے یا پھر ان وہ مطلب اس پیریڈس کے دوران ہے, تو ان کو ہیلپ کرنی چاہیے, باہر سے آرڈر کرنا چاہیے جیسے وہ عام روٹین میں آرڈر کرتے ہیں. ان کو ڈسٹرب ہی نہیں کرنا چاہیے سحری کے لیے, وہ خود اٹھ کے کچھ کھا لیں یا کچھ بنا لیں. ہماری سوسائٹی میں جینڈر نارمز جو ہیں وہ بہت, جینڈر رولز بہت ڈیوائڈ ہیں کلیئرلی, کہ گھر کا جو کام ہے ناشتہ بنانا سحری بنانا یہ ذمہ داری بائی ڈیفالٹ خواتین کی ہے, جبکہ یہ کوئی ایسا جینڈر رول نہیں ہے. ہم پیدائشی طور پہ یہ کام کرنے کے لیے نہ پیدا ہوئے ہیں, نہ عورت نہ مرد.